नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। अंबेडकर जयंती पर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, एक दूसरे पर लगाए आरोप। कोरोना लॉकडाउन से हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना से जंग में कमतर नहीं दिखना चाहती कांग्रेस, सीएम से लेकर सोनिया तक एक्टिव। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार, अब तक 339 की मौत। महाराष्ट्र में कांग्रेस मरीजों की संख्या 23,000 के पार, कुछ उद्योगों को चालू कर सकती है सरकार। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने दिया इस्तीफा। बीसीसीआई ने माना आईपीएल पर तस्वीर साफ नहीं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। बादशाह ने शेयर की 17 साल पुरानी फोटो, पहचानना हुआ बेहद मुश्किल। टीवी पर लौटा आइकॉनिक शो बालिका वधु। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।